हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंच फ्राइज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे दो आलू और इसको अच्छे से छील लेंगे। तो गाइस, ये मैंने दो आलू छील चुके हैं, इसको कट करेंगे अब लंबे में इस तरीके से। इसके लंबे लंबे पीस कर लेंगे। तो ये मैंने लंबे में कट कर दिए हैं ये ऐसे। पानी का बाउल लेंगे एक और इसमें ये आलू सब डाल देंगे। अब इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, दो पानी से धो देंगे इसको अच्छे से। ये देखिए, मैंने दो पानी से साफ कर दिया है। अब इसको अच्छे से सुखा लेंगे, साफ कपड़े में रखेंगे और इसको सुखा लेंगे अच्छे से। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। देखिए, मैंने ये कपड़े में रखा है और इसको अच्छे से पोंछ लेंगे, साफ कर लेंगे। ये साफ हो गए हैं, बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। अब इसको एक बर्तन में रख देंगे, मैं निकाल दूँ, इनमें रख दूँगी मैंने। बिल्कुल ड्राई हो गई है। कढ़ाई में तेल रखेंगे और अब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसको, जो आलू हमने कट कर रखे थे, वो इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है और हमने जो आलू कटे हुए थे अब सब इसमें डाल देंगे। सब इसमें डाल दिए। सब डालने के बाद इसमें थोड़ी देर इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ये हो चुका है। अब इसको निकाल देंगे हम। इसको निकालने के बाद फिर हम इसको थोड़ा देर ठंडा होने देंगे, 10 मिनट बाद फिर इसको फिर फ्राई करने के लिए रखेंगे। इसको दोबारा फ्राई करने का कारण ये है कि ये क्रंची हो जाए। तब तक गैस को लो फ्लेम में कर देंगे। तो आप देखेंगे, मैंने एक टिश्यू पेपर रखा हुआ है, उसके ऊपर जो आलू है एक बार फ्राई वो रखे हुए हैं ताकि ये थोड़ा अपना तेल उसमें छोड़ दे और ये थोड़ी देर बाद जब ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको फिर फ्राई करेंगे। तो आप देखिए, ये आलू ठंडे हो चुके हैं। अब इसको दोबारा फ्राई करेंगे हम। ये इसमें डाल देंगे दोबारा फ्राई करने के लिए। अब आप देखेंगे कि ये कितने ब्राउन से होने लगे हैं। इसको 2 मिनट रखेंगे ऐसी और फिर इनको निकाल देंगे। ज़्यादा देर नहीं रखना, बिल्कुल लाल नहीं करने हैं, थोड़े ब्राउन ब्राउन से हो जाएं तो इनको निकाल दें। तो देख सकते हैं आप, ये ब्राउन से हो गए हैं, इनको निकाल देंगे हम। देखिए, जो पेपर हमने बिछाया था इसके ऊपर रख देंगे। गाइस, आप देख सकते हैं हमारा फ्रेंच फ्राइड रेडी हो चुका है। हम तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा काला नमक,
थोड़ी सी लाल मिर्च, कसूरी लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला। गाइस फाइनली हमारा फ्रेंच फ्राइड रेडी हो चुका है, तो आप भी ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।